नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस मुख्य परीक्षा विशेष में मैं अनिकेत दिवांगन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पेपर 5 का पार्ट 2, जो कि यहां पर इंडियन ज्योग्राफी को यहां पर डेडिकेटेड है, समर्पित है। तो आज के इस पूरे यहां पर सेशन के दौरान हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित तथ्यों के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं कि मुख्य परीक्षा में कौन से पैटर्न को यहां पर फॉलो करते हुए अक्सर जो आयोग है वो प्रश्न यहाँ पर बनाता है, कौन कौन से एरिया को हम लोगों को ज्यादातर ध्यान देना चाहिए, लिखने का सही तरीका क्या हो, जब 2 मार्क के यहाँ पर क्वेश्चन आए तो उसकी आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है, 4 मार्क में हमको क्या लिखना है, क्या पॉइंट वाइज लिखना है, क्या यहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव लिखना है, यहाँ पर पैराग्राफ वाइज यहाँ पर लिखना है, और कौन कौन से एरिया को हम लोग को यहाँ पर ज्यादा फोकस करते हुए आगे की अपनी पढ़ाई यहाँ पर जारी रखनी है। तो हम यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं पेपर 5 का पार्ट 2, जो कि इंडियन ज्योग्राफी या भारत के भूगोल को समर्पित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का भूगोल चूंकि यहाँ पर पार्ट 2 में रखा गया है, तो इसकी अधिकतम अंक सीमा होगी वो 50 नंबरों की होगी, ठीक है। और सबसे पहले इसके पैटर्न के ऊपर में हम लोग बात करेंगे कि पार्ट 2 के अंतर्गत में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है, कितने 2 मार्क वाले क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, कितने 4 मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं, कितने 8 मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं, और कितने यहां पर 10 मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इस पार्ट 2 के पैटर्न के बारे में हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो इसका यहाँ पर जो पैटर्न है, जो आयोग यहाँ पर फॉलो करता हुआ आया है, इस इंडियन ज्योग्राफी के हम लोग देख रहे हैं पेपर में जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, इसमें 2 नंबर वाले यहाँ पर अधिकतम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 12 नंबर के 2 मार्क वाले यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए हमको मिलने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूं 4 नंबर वाले, तो अधिकतम जो 4 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं वो 3 हैं, तो इसका भी कुल यहाँ पर अंक होगा 12। जब हम बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर वाले प्रश्नों की, तो अधिकतम जो 8 नंबर वाले प्रश्न हैं वो 2 रखे गए हैं, तो कुल यहाँ पर 16 मार्क यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर इसकी बात कर दिए तो 24 और यहाँ पर 1-2 यहाँ पर जो 8 मार्क वाले यहाँ पर क्वेश्चन है उसको मिला लिए 16, तो कुल यहाँ पर अंक हो जाता है 40। उसके बाद 10 नंबर वाले भी 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 1 प्रश्न को ही आपको अपने उत्तर में लिखना है। तो 10 नंबर वाले जो अपने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 1, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर 2 मिलता है, इस 2 में से हमको अपने उत्तर में केवल 1 ही प्रश्न को लिखना होता है, और यहाँ पर इसका अधिकतम नंबर जो होता है वो होता है 10। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पेपर 5 के पार्ट 2 में 50 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन आयोग कैसे अभी फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो 2 मार्क वाले कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, 6 प्रश्न, 4 मार्क वाले यहाँ पर 3 प्रश्न, 8 नंबर वाले यहाँ पर 2 प्रश्न, और 10 नंबर वाले 1 प्रश्न यहाँ पर हमको अपने उत्तर पे लिखना होता है। तो ये पैटर्न जब यहाँ पर क्लियर होता है, तो हमको यहाँ पर ये पता चल जाता है कि 10 मार्क वाले कितने क्वेश्चन हैं, 8 मार्क वाले कितने क्वेश्चन हैं, कौन से प्रश्नों को अपने को यहाँ पर पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ सिलेबस की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, कुछ यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से एरिया हमारे सिलेबस को ज़्यादा फोकस करते हुए पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, और देखेंगे कि 2018 से जो कि भारत का जो भूगोल है वो 2018 से मुख्य परीक्षा में यहाँ पर जोड़ा गया है, तो 2018 से लेकर 2021 तक कौन कौन से एरिया को आयोग यहाँ पर टारगेट करता हुआ आया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इस टेबल में हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सिलेबस को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या भारत के भूगोल में सिलेबस में यहाँ पर रखा गया है। तो सर्वप्रथम भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, सिलेबस में रखा गया है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ का है वो कृषि, तीसरा अपवाह, चौथा वनस्पति एवं मनों का महत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सिलेबस में रखे गए हैं,
वहीं मानवीय विशेषताओं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर बात की जाती है, खनिज संसाधनों की बात की जाती है, ऊर्जा संसाधन और उद्योग, ये डायरेक्टली एज इट इज हमारे सिलेबस में लिखे गए हैं। तो भारत की भौगोलिक विशेषताओं के अंदर में हम लोग पर्वतों, पहाड़ों, पठारों, उनका पोजीशन, उनकी भौतिक विशेषताएं, वहां पर किस प्रकार के चट्टान हैं, कौन सी नदियां निकल रही है, वहां का कुछ अगर विशेषताएं हैं उन नदियों की, उसको उसके बारे में अपने को यहां पर पढ़ना होता है। तो भारत की भौतिक विशेषताओं में कभी यहां पर हिमालय और हिमालय में किसी चोटी के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, या फिर भारत के उत्तर भारत के मैदान के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, या देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे भारत को हम लोग भारत को भौगोलिक रूप से 6 विभागों में, उपविभागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो उस 6 विभाग में से किसी भी एक विभाग से हर साल क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, वही बात करते हैं एग्रीकल्चर। तो भारत में फसल की स्थिति, वर्तमान स्थिति, कुछ आंकड़ों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। जब अपवाह तंत्र एवं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की यहाँ पर बात की जाती है, तो इसमें सबसे पहले भारत में बहने वाली विभिन्न यहाँ पर अपवाह तंत्र, चाहे वो गंगा ड्रेनेज की बात करते हैं, चाहे गोदावरी की बात करते हैं, चाहे सिंधु की हम बात करते हैं, चाहे नर्मदा की बात करते हैं, या कृष्णा या कावेरी की बात करते हैं, तो किसी भी नदियों के ड्रेनेज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उन नदियों में जो परियोजनाएँ चल रही हैं वो कब से चल रही हैं, उनका क्या महत्व है, वो कौन कौन से राज्यों को लाभ देती हैं, यहाँ इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है। प्लस हम देखते हैं कि अगर वर्तमान में किसी नदी के ऊपर में विवाद जन्म लिया है, किसी राज्यों में ये विवाद यहाँ पर गहराया है, तो उससे पूछे जाने की क्वेश्चन की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही हम लोग बात करते हैं कि वनस्पति एवं वनों का महत्व भी सिलेबस में यहाँ पर रखा गया है, और उससे भी प्रश्न काफ़ी सारे बनने की संभावनाएँ होती हैं। मानवीय विशेषताओं के अंतर्गत हम सेंसस के बारे में, या पलायन के बारे में, या मानव जनित जो समस्याएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन की अपेक्षा यहां पर रखते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं। वही खनिज संसाधनों में खनिजों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, वो कहां पाए जाते हैं, क्लियर है कि नहीं, इस पोर्शन से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। वही ऊर्जा संसाधनों में हम देखते हैं कि वर्तमान में सरकार क्या क्या यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम लोग करते हैं, या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करते हैं, कि जैसा यहाँ पर बोला गया है कि नेट कार्बन को हमको जीरो यहाँ पर बहुत ही जल्दी अचीव करना है, ताकि पर्यावरण जनित यहाँ पर समस्याएँ जो हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज होना, क्लियर है कि नहीं, वही हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर समस्या है, या ऊर्जा संसाधनों के विकास से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर नई योजना लेकर आ रही है, या इस क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनके डेटा सहित क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। वही उद्योगों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अलग अलग उद्योगों के महत्ता से के बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं, या किसी विशेष उद्योग को टारगेट करते हुए उसके लाभ को यहाँ पर देखते हुए, या फिर औद्योगिक नीतियों के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। तो ये कुछ पोर्शन हैं जो भारत के भूगोल के सिलेबस के अंतर्गत में रखे गए हैं, और यहाँ पर अलग अलग पोर्शन अलग अलग महत्व यहाँ पर रखता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूर्व में पूछे गए हैं, जिससे अपने को पता चले कि जब हम यहाँ पर तैयारी करें तो कौन से एरिया को ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो 2021 में इस पोर्शन से 2 नंबर वाले 4 सवाल बने हुए हैं, वही 8 नंबर वाले 1 सवाल बने हुए हैं, वही 10 नंबर वाला भी 1 सवाल यहाँ से आया हुआ है। तो भारत की भौतिक विशेषताएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और यहाँ से हम देखते हैं कि 2020 में भी 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, 2019 में भी 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, वही 2018 में 5 क्वेश्चन हमको इस एरिया से देखने के लिए मिले। तो अगर नंबर की बात करते हैं तो 2 मार्क वाले 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 8 मार्क का 2 नंबर वाला सवाल पूछा गया, वही 8 मार्क का 1 नंबर वाला 8 नंबर वाला सवाल पूछा गया, वही 10 नंबर वाला 1 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। तो अगर इन सभी को यहां पर जोड़ते हैं हम
तो 26 मार्क के अकेले भारत की भौगोलिक विशेषताओं से प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं। वही 2020 की जब हम बात करते हैं तो 2 मार्क वाला एक सवाल था, 4 मार्क वाला एक सवाल था, 10 मार्क वाला एक सवाल था, मतलब कुल 16 अंक का भारत के भौगोलिक विशेषताओं से प्रश्न पूछा है। इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 2019 में 2 मार्क के एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और वही 10 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क का यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वही जब 2018 की बात करते हैं तो 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क, वही 4 मार्क वाला एक क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क, 8 मार्क वाला एक क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क, मतलब कुल 18 मार्क के क्वेश्चन अपने भारत की भौगोलिक विशेषताओं से यहाँ पर पूछा गया है। तो भारत की भौतिक विशेषताओं में हमने देखा यहाँ पर कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से 6 उपविभागों में विभाजित हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, या जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा जो भाग होता है वो है उत्तर भारत का मैदान। तीसरा जो भाग जो भौगोलिक उपविभाजन में हम रख के चलते हैं वो है प्रायद्वीपीय भारत या इंडियन पेनिनसुला। चौथा जो भाग है वो है द्वीपीय प्रदेश या आइलैंड्स। पांचवा जो पार्ट होता है इंडिया के डेजर्ट या भारत के मरुस्थल को यहाँ पर रखा गया है। वही पांचवा पार्ट तटीय मैदानों की बात की जाती है या कोस्टल एरिया की या कोस्टल प्लेन्स की वहाँ पर बात की जाती है। तो इस प्रकार भारत को भौगोलिक रूप से 6 अलग अलग उपविभागों में विभाजित किया गया और भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब यहां से इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आगे कुछ समय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब वर्तमान में जैसे शुरुआत में हम लोग 2018 में जब बात करते हैं तो 18 मार्क का, 2019 में 16 मार्क का, 2020 में सेम पैटर्न को फॉलो किया है 16 मार्क का, 2021 में इस पोर्शन से काफी ज्यादा यहां पर प्रश्न बने हैं जो कि 26 मार्क के होते हैं। मतलब देखा जाए तो 50 में से कुल यहां पर 50 अंक में से 26 अंक, मतलब 50% से भी ज्यादा जो अंक है वो भारत के भौगोलिक विशेषता वाले पार्ट से यहाँ पर पूछे गए। मतलब जब जब हम यहाँ पर भारत के भूगोल मुख्य परीक्षा की तैयारी में पढ़ें तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल डिवीजन या भारत के फिजिकल फीचर्स को हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं। उसके बाद जो सिलेबस में रखा गया है वो कृषि रखा गया है। तो जैसे कि 2021 में 1-2 मार्क वाला यहाँ पर क्वेश्चन आया था, वही 4 मार्क वाले एक क्वेश्चन आए थे, मतलब कुल 6 मार्क अपने को कृषि वाले एरिया से देखने को मिला हुआ था। वही जब 2020 की हम बात करते हैं तो 4 मार्क वाले 2 प्रश्न यहां पर पूछे गए थे जिसके कुल अंक यहां पर 8 थे। वही जब 2019 की भी बात करता हूं तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया गया और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए कुल 8 मार्क के। वही 2018 में 2 मार्क का 1 और 8 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कुल 10 अंक का यहाँ अपने को कृषि वाले क्षेत्र से पूछा गया। मतलब हर साल हम देख रहे हैं कि कृषि की समस्याएं नए कृषि के प्रकारों के ऊपर में या फिर जो वर्तमान में कृषि से संबंधित आंकड़े हैं, वर्तमान में भारत में कृषि की स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल हमको हमारे मुख्य परीक्षा में 8 या 6 मार्क या 10 मार्क के लगभग का हमें मिल रहा है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो क्या होगा, आपका कृषि होगा। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपवाह तंत्र की बात हम करते हैं तो 2021 में 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया, 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया, कुल 14 मार्क जो है वो इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से पूछे गए हैं। तो कुल 14 मार्क हमको इरिगेशन या इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है या नया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऊपर में से क्वेश्चन है, यहाँ इस एरिया को फोकस किया गया है। क्लियर है? वही 2020 में 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, दैट मींस 4 मार्क के सिर्फ यहाँ पर बने थे प्रश्न। वही जब हम लोग 2019 में भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए केवल 4 मार्क का इस पार्ट से पूछा गया। जब 2018 की बात करते हैं तो इस पूरे एरिया से कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया था। वही जब वनस्पति या वेजिटेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस में, इस पोर्शन की जब हम बात करते हैं तो
देखते हैं कि 2021 से लेकर 2019 तक एक भी प्रश्न इस क्वेश्चन से पूछा गया नहीं है। वही 2018 में एक क्वेश्चन 2 मार्क का बना था और एक क्वेश्चन 10 मार्क का बना था, कुल 12 मार्क के इस पोर्शन से पूछे गए। तो भविष्य में इस पोर्शन से, चूंकि कंटिन्यू 3 साल से इस पोर्शन से प्रश्न नहीं आए हैं, उम्मीद है कि इस साल इस पोर्शन से हम लोगों को 8 या 10 मार्क के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानवीय विशेषताएं, जिसमें हम सेंसस हो गया या नया जो 2011 का जो सेंसस यहाँ पर है उसमें जो समस्याएं हैं, क्या होता है जेंडर रेशियो, क्लियर है कि नहीं, वही हम माइग्रेशन वगैरह से रिलेटेड जो डेटा है उससे रिलेटेड समस्या वगैरह है, या मानवीय समस्या से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर लगातार कंटिन्यूअसली हर साल एक या दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि 2021 में इस पूरे पोर्शन से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन वही 2020, 2019 और 2018 की जब हम बात करते हैं तो इस पोर्शन से, इस पर्टिकुलर पोर्शन से हर साल दो तीन प्रश्न हमको इस पोर्शन से देखने को मिले हैं। तो 2020 में 2 मार्क का एक क्वेश्चन था, वही 8 मार्क का एक क्वेश्चन था, कुल यहां पर 10 मार्क के प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक से बने हैं। वही 2019 की बात करते हैं तो एक प्रश्न 2 मार्क का और एक प्रश्न 8 मार्क का, कुल 10 मार्क का इस पोर्शन से प्रश्न पूछा गया है। 2018 की बात करते हैं तो 2 मार्क का एक प्रश्न, 4 मार्क का एक प्रश्न और 10 मार्क का एक प्रश्न हमको देखने के लिए मिला, अर्थात कुल 16 मार्क के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर 2021 के एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो हर साल इस पर्टिकुलर पोर्शन से 10 मार्क 8 मार्क या उससे ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब जब हम अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो इस मानवीय विशेषताओं को, इस प्रेजेंट के पैटर्न को देखते हुए हमको इस पोर्शन को भी काफी अच्छे से तैयार करना चाहिए। वही खनिज संसाधनों की बात कर रहे हैं तो हर साल अपने को केवल एक एक प्रश्न इस एरिया से देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि छोटे मार्क के होते हैं। तो 2021 में 2 मार्क का पूछा गया, 2020 में भी 2 मार्क का यहाँ पर पूछा गया, और वही अगर 2019 की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर पोर्शन से कोई भी प्रश्न नहीं आया था, 2018 में 4 मार्क का यहाँ से प्रश्न बना हुआ था। ऊर्जा संसाधनों की हम लोग बात करते हैं जब, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अब ऊर्जा की जरूरतों के लिए कुछ नवीकरणीय संसाधनों या नवीकरणीय स्रोतों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नवीकरणीय संसाधनों को तेजी से विकसित यहाँ पर किया जा रहा है। तो भारत में क्या अभी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कौन कौन से ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो हमारी इन जरूरतों को पूरा करता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमको डेटा की अपेक्षा होती है, सरकार के योजनाओं की अपेक्षा होती है हमारे उत्तर लेखन के समय। तो ध्यान रखिएगा, जब इस पोर्शन को हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के एक साइट है जिसको MNRE, इस MNRE को आप जब गूगल में टाइप करेंगे तो गवर्नमेंट का पोर्टल खुलेगा, इसमें अलग अलग ऊर्जा के संसाधनों के बारे में आपको एक डिटेल से जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब जब आप यहाँ पर ऊर्जा और ऊर्जा के संसाधनों से रिलेटेड जब अपने उत्तर लिखेंगे या प्रिपरेशन के दौरान जब उत्तर बनाएंगे तो इस साइट को जरूर विजिट कीजिएगा और उसमें जो वर्तमान में डेटा है गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर जारी की गई है उस डेटा को अपने उत्तर में जरूर समाहित कीजिएगा अच्छे मार्क लाने के लिए। तो ऊर्जा संसाधनों से हम देखते हैं कि 2021 में एक 8 मार्क का प्रश्न बना हुआ था, 2020 में एक 10 मार्क का प्रश्न क्वेश्चन बना हुआ था, वही अगर 2019 की बात करते तो एक 2 मार्क, एक 10 मार्क, कुल 12 मार्क का प्रश्न बना हुआ था, और 2018 में इस पोर्शन से कोई भी प्रश्न नहीं आया था। तो जैसे जैसे जरूरतें बढ़ते जा रही है, ऊर्जा हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा महत्व रखता है, वैसे ही हमारे भारत के भूगोल के सिलेबस में भी ये काफी ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, इस पोर्शन से 8 या 10 मार्क के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती है। वही अगर उद्योगों की बात करें तो हर साल हमको इस एरिया से एक एक क्वेश्चन ही देखने को लगभग मिला हुआ है। तो 2021 में 4 मार्क का प्रश्न पूछा गया, वही 2020 की बात करते हैं तो एक 2 मार्क का और एक 4 मार्क का, कुल 6 मार्क के प्रश्न पूछे गए, सॉरी एक 8 मार्क का और एक 2 मार्क का, कुल 10 मार्क के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए।
वही जब 2019 की बात करते हैं तो अगेन एक दो मार्क का, एक आठ मार्क का, कुल 10 मार्क के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। वही 2018 की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर पोर्शन से कोई भी प्रश्न हमको देखने के लिए नहीं मिला था। तो इस पैटर्न को हमको समझते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखनी है। और आप लोगों को एक डिटेल एनालिसिस करके यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सा पोर्शन हमारे भारत के भूगोल में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और कहाँ कहाँ से कितने मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृपया इस टेबल को ध्यान में रखते हुए एक जब जब आप यहाँ पर भारत का भूगोल की तैयारी चालू करें तो इस टेबल को एक बार और एनालिसिस करते हुए अपने कॉपी के फ्रंट पेज में इसको बनाते हुए आगे की तैयारी फिर प्रारंभ करें। तो चलिए देखते हैं कि अब भारत की भौतिक विशेषताएं में पूर्व में क्या क्या प्रश्न पूछे गए और उसमें कौन कौन से पॉइंट हमको अपने मुख्य परीक्षा पेपर को लिखते समय उत्तर में हमको मेंशन करना चाहिए। तो हम पूरे उस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जो आपके उत्तर लेखन के समय उसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले सिलेबस का पहला टॉपिक भारत की भौगोलिक विशेषताएं। तो पहला जो यहाँ पर टॉपिक या सिलेबस में जो टॉपिक रखा गया है वो भारत की भौतिक विशेषताएं या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से एरिया से प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का पैटर्न क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो भारत को भौगोलिक रूप से यहाँ हम 6 मुख्य भाग में विभाजित करते हैं। तो भारत को भौगोलिक रूप से 6 मुख्य भाग में विभाजित किया जाता है और वहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत को भौगोलिक रूप से 6 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है जिसमें पहला यहाँ पर जो भाग होता है वो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या जिसे हम कहते हैं हिमालय। ये जो पहला डिवीजन है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय। तो इसमें हिमालय या हिमालय में स्थित किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ और उसकी विशेषताएं या इस क्षेत्र की विशेषताएं या जलवायु से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती है। क्लियर है दोस्तों। वही जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकेंड डिविजन की तो इसे हम कहते हैं उत्तर भारत का मैदान या द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तो उत्तर भारत के मैदान में किसी एक पर्टिकुलर मैदान के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे गंगा के मैदान के बारे में बताओ, राजस्थान के मैदान के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताओ, या पंजाब हरियाणा के मैदान की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करो, या इस मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियों के जो पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कशन करो। तो इस टाइप के प्रश्न इस पर्टिकुलर पोर्शन से बनते हैं। तो इस क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपने को अपना उत्तर जब तैयारी करते हैं तो अपने को अपना उत्तर प्रिपेयर करना चाहिए। वही जो तीसरा डिवीजन है वो इंडियन पेनिनसुला या जिसे प्रायद्वीप के नाम से हम जानते हैं। तो तीसरा जो यहाँ पर भारत का भौगोलिक विभाजन करते हैं वो है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या इंडियन पेनिनसुला। अब इंडियन पेनिनसुला में हो सकता है कि पूछा जाए दक्कन के पठार को समझाइए, दक्कन के पठार की विशेषताओं के बारे में लिखिए, या पूछा जा सकता है कि दक्कन के पठार में पाए जाने वाले प्रमुख प्रमुख पहाड़ियों का वर्णन करें, या पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए, या यहाँ मानसून के प्रवेश और मानसून के वापसी के संदर्भ में चर्चा करें। तो इस प्रकार के प्रश्न इस एरिया से पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। क्लियर है दोस्तों। या फिर बोला जा सकता है यहाँ पर कि इस पुराने क्षेत्र की भी बात यहाँ पर की जा सकती है कि इस क्षेत्र की विशेषताएं क्या होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं, कि एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो।
उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो जैसे इंडिया की बात हम करते हैं तो इंडिया तीन तरफ से लैंड से और तीन तरफ से वाटर से क्या किया गया है, घिरा हुआ है। वही जब हम बात करते हैं एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो अगला विभाजन यहां पर होता है द्वीप। द्वीपों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है या लक्षद्वीप की विशेषताओं का क्या करें, वर्णन करें। वही सेम प्रश्न अंडमान और निकोबार के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जैसे लक्षद्वीप की उत्पत्ति प्रवाल के जमाव से हुए है, वही अंडमान निकोबार को एक डूबी हुई पर्वत श्रृंखला का हम भाग मानते हैं। तो इस एरिया से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वही जो पांचवा पार्ट होता है वो होता है भारतीय मरुस्थल या डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा राजस्थान बॉर्डर वाला इलाका, कुछ गुजरात बॉर्डर वाला इलाका, इस पूरे इलाके में हम मरुस्थलीय क्षेत्र देखने के लिए, हमको मरुस्थलीय क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। तो पांचवा जो विभाजन है वो मरुस्थल के रूप में भारत को विभाजित करता है। वही छठवा तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स के रूप में छठवा डिवीजन यहां पर करते हैं। तो हो सकता है प्रश्न में पूछ लिया जाए कि पूर्वी कोस्टल प्लेन्स या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं बताएं। तो आपको फिर वहां पर बताना होगा कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो काफी चौड़ी होती है, उसका ढाल मंद होता है या स्लोप ज्यादा स्टीप नहीं होता, जिसके कारण वहां की नदियां डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। वही हम देखते हैं कि अगर वेस्टर्न कोस्टल एरिया की जब बात करते हैं या पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताओं के बारे में भी प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है, चाहे वो 2 मार्क का हो चाहे वो 4 मार्क का हो। तो इसकी विशेषताओं का वर्णन करें तो हम लिख सकते हैं वहां पर कि इसके जो मैदान है काफी यहां पर नैरो होते हैं, काफी स्टीप होते हैं, तो जब नदियां यहां पर आती हैं तो अचानक इसका स्पीड बढ़ जाता है और ये डेल्टा ना निर्मित करके एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। या इनके बीच में अंतर पूछा जा सकता है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच में यहां पर अंतर समझाइए। तो इस पूरे पोर्शन से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती है और जैसा कि हम यहां पर पैटर्न को देखते हुए आ रहे हैं इस पूरे पोर्शन से लगभग 50% प्रश्न वर्तमान में यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ उन प्रश्नों के बारे में जो इस पर्टिकुलर पोर्शन से यहां पर आए हैं और उसको लिखते समय कैसे हम लोग को आंसर फ्रेमिंग करनी है, 2 मार्क में कैसे करनी है, 4 मार्क में कैसे करनी है, 8 मार्क में कैसे करनी है और हमको 10 मार्क में कैसे करनी है। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक में हम लोगों को आंसर फ्रेमिंग करनी होती है। तो एक अच्छा मार्क गेन करने के लिए हमेशा हमको आंसर फ्रेमिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर करना चाहिए। तो बात करते हैं तो आंसर फ्रेमिंग करते समय, आंसर फ्रेमिंग करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक तो सबसे पहले आंसर फ्रेमिंग करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो उत्तर है वो काफी प्रिसाइज फॉर्म में रहे, या प्रिसाइज फॉर्म में रहे या टू द पॉइंट रहे। तो जैसा कि कुछ भी पूछा गया है, जैसे अगर पूछ दिया गया कि पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताओं को बताइए तो अपने को घुमा फिरा के नहीं लिखना है, सीधा टू द पॉइंट लिखना है और प्रिसाइज और उसको छोटे फॉर्म में हमको लिखना है ताकि अपना समय भी बचे और जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है चेकर उसको जब यहाँ पर चेक करने जाए तो उसको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिले और पूरी तरीके से आप उस विशेषताओं को भी यहाँ पर लिख पाए। तो हमेशा अपना उत्तर प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो जैसे कि पश्चिमी तटीय मैदान की यहाँ पर विशेषताओं के बारे में अगर प्रश्न बनता है तो अपने को सीधे लिखना है कि पश्चिमी तटीय मैदान के जो यहाँ पर मैदानी भाग है वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं। वही इनका जो ढाल होता है काफी तीव्र होता है, स्टीप होता है, जिसके कारण जो नदियां यहाँ पर प्रवेश करती है वो सीधे समुद्र को गिरती हैं और एश्वरी का निर्माण करती है। तो ये इस एरिया की विशेषताएं हैं। तो टू द पॉइंट हमको इसको यहाँ पर लिखना है और हो सके तो कुछ अगर मुख्य पॉइंट लिख रहे हैं तो नीचे में अपने को यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सर हमको यहाँ पर पैरा ग्राफ फॉर्म में लिखना है या फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में अपने को लिखना है।
तो ध्यान में रखिए, ये प्रश्न के पैटर्न के ऊपर में निर्भर करता है कि हमें उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है या टू द पॉइंट में यहाँ पर लिखना है। बिल्कुल आपका नंबर यहाँ पर या मार्क आप लोगों के नहीं कटेंगे, चाहे आप पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट वाइज में। आपका जो प्रश्न पूछा गया है, अगर जो उत्तर आपने यहाँ पर लिखा है उस प्रश्न को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, उसके सारे पहलुओं को अगर छूता है, तो ध्यान में रखिएगा। आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई भी बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। तीसरा, उसका लैंग्वेज क्या हो। एक तो ध्यान में रखिएगा, लैंग्वेज काफी यहाँ पर इजी होना चाहिए। जो चेकर ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर नॉलेजेबल होते हैं, काफी लॉन्ग टर्म से इस फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें इजी लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक भाषा या बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनली जो हम यूज़ करते हुए आए हैं उसका उपयोग ना करके इजी भाषा में तथ्यों को इजी तरीके से उन तक आपको यहाँ पर पहुँचाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो लैंग्वेज आपका कैसा होना चाहिए? इजी होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जो लिख रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट हो, ईजी लैंग्वेज में हो और उसमें आपके उत्तर में पूरी तरीके से क्लैरिटी झलकनी यहां पर चाहिए। क्लियर है दोस्तों? फिर प्रश्न ये यहां पर कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सर क्या अगर 2 मार्क का है तो पूरे 4 लाइन हमको यहां पर लिखनी है, अगर 4 मार्क का है तो 7 या 8 लाइन जो हमको दी गई हुई है तो लास्ट डॉट तक लिखना है, वही 8 मार्क का प्रश्न है तो पूरे लाइन को अपने को कवर करना है, या 10 मार्क के हैं तो पूरा हम लोग को लास्ट तक यहां पर लिखना है। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर जैसे 8 मार्क का भी है प्रश्न और उसमें 13-14 लाइन आपको दिया हुआ है, अगर आपका उत्तर पूरी तरीके से पूरे पहलुओं को छूते हुए अगर 10 लाइन में भी उत्तर खत्म हो जा रहा है तब भी आपको ध्यान में रखिएगा मार्क्स पूरे और जितने अधिकतम आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो उतने आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर भूल जाइए कि पूरे डॉट लास्ट लाइन के डॉट लास्ट जहां तक पॉइंट होता है वहां तक लिखने पे ही आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान में रखिए समय को देखते हुए आप अपने उत्तर को कैसे शॉर्ट करना है, कैसे उसको लॉन्ग करना है उसके ऊपर में काम कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर आंसर फ्रेम। क्लियर है? सबसे पहले बड़े मार्क में आप यहाँ पर फ्रेम करते हुए चले ताकि भूले ना, और आपका जैसे मैंने बोला कि इजी हो, क्लियर हो और अपना आंसर जो है वो कंप्लीट हो। ये तभी बड़े मार्क में 10 मार्क या 8 मार्क या जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 15 मार्क के जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर उसको एक आप फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे तो आपका जो उत्तर रहेगा वो अपने आप में कंप्लीट रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से पूर्व में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और आपको अपने उत्तर लिखते समय उस प्रश्नों में किन किन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका उत्तर किस पैटर्न में होना चाहिए, आपकी आंसर फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, क्या कितनी उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कितने प्रिसाइज फॉर्म में यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2021 में इस पर्टिकुलर पोर्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है, पहला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी के भौगोलिक स्वरूप को बतलाइए, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल नेचर ऑफ अरावली रेंज। यहाँ पर पूछा गया है भौगोलिक स्वरूप को या ज्योग्राफिकल नेचर को अरावली के बारे में। तो सर्वप्रथम जब हमको अपनी आंसर फ्रेमिंग करनी है तो भौगोलिक स्वरूप के बारे में बताते हुए हमको सबसे पहले ये बताना है कि वो भारत में उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन से प्रकार के शैल समूहों से इनका यहाँ पर निर्माण हुआ है और उसकी सर्वोच्च यहाँ पर श्रृंखला कौन सी है और उसका ढाल किस प्रकार का होता है और उससे कौन कौन सी नदियों का उद्गम हुआ है। तो भौगोलिक स्वरूप को बतलाने के लिए हमको हमेशा हमारे उत्तर में सर्वप्रथम उसका भारत में कहाँ पे लोकेटेड है ये हमको अपने उत्तर में लिखना चाहिए, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो कौन से प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। जैसे अरावली की बात हम लोग करते हैं तो अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, इसका निर्माण वलित क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, परंतु चूंकि ये काफ़ी पुरानी है इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है, ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन के नाम से यहाँ पर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो
जब ये एग्जिस्टेंस में आया था तो ये था एक फोल्डेड टाइप का माउंटेन। तो चूंकि प्री कैम्बियन एरा में इसका निर्माण हुआ है, काफी ये पुराना है, इसे वर्तमान में हम रेसिडुअल माउंटेन के कैटेगरी में लेते हैं। ये किस प्रकार के सेल समूहों से यहाँ पर निर्मित है, क्या ये आग्नेय है, क्या ये अवसादी है, या किस प्रकार के सेल समूहों से ये निर्मित है? ये इसकी सर्वोच्च श्रृंखला कौन सी है? तो जैसे अरावली की सर्वोच्च श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं गुरु शिखर 1722 मीटर, जिसका एलिवेशन है वही हम ढाल की हम लोग बात करते हैं। तो उत्तर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढाल अवस्थित है। वही नदियों की बात करते हैं तो इसके पूर्व से बनास नदी, वही पश्चिम से लूनी नदी का यहाँ पर उद्गम हुआ। तो कहने का मतलब भौगोलिक स्वरूप को जब यहाँ पर बताया जाता है तो उसके ओवरऑल, उसका निर्माण से रिलेटेड, उसके पहाड़ियों से रिलेटेड, वहाँ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सेल समूह से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर हमको लिखना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो जैसा कि ये 2 मार्क का है और इतना सारा चीज हम लोग पूरा एक भाग में नहीं लिख सकते, तो हमको पूरा सेंटेंस यहाँ पर ना बनाते हुए केवल इसे कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हुए चलना है। जैसे स्थिति, यह गुजरात से दिल्ली तक फैला है, कॉमा, निर्माण प्री कैम्बियन युग में वलित क्रियाओं के फलस्वरूप, कॉमा, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, कॉमा, इसकी सर्वोच्च श्रृंखला गुरु शिखर, कॉमा, इसका ढाल उत्तर से दक्षिण, कॉमा, पूर्व से बनास और पश्चिम से लूनी नदी का उद्गम। इतना करके अपने को अपना उत्तर कंप्लीट कर देना है। मतलब 2 मार्क्स के लिए हम लोगों को जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस के फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो भौगोलिक स्वरूप या उसके विशेषताओं को जब जब यहां पर पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को अपने उत्तर में हमको रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मैदान में भांभर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? अगेन ये फिजिकल पार्ट से 2 मार्क का पूछा गया है। तो जब हम देखते हैं हिमालय का निर्माण हुआ, निर्माण प्रक्रिया के दौरान अवसादों के जमाव से हमारे उत्तर भारत का भी निर्माण हुआ, उसी भाग में हम देखते हैं जब संरचना के आधार पर इसको हम डिवाइड करते हैं तो शिवालिक के सहारे जो पहला समतल मैदान लगता है उसको हम कहते हैं भांभर। क्लियर है दोस्तों? तो उत्तर भारत के मैदान में भांभर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो शिवालिक के सहारे जो लगे मैदान है उसमें से सबसे पहला जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें भांभर के तौर पे। मतलब हमको सीधा एक डायग्राम ऐसे बनाना है और ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन में ऐसे कुछ बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर शो करना है और यहाँ से नदियाँ निकलती हुई हमको दिखा देना है और बताना है कि ये 10 से लेकर 16 किलोमीटर रेंज की जो यहाँ पर पट्टी है इसी क्षेत्र को यहाँ पर भांभर प्रदेश कहा गया है। तो शिवालिक यहाँ पे आप दर्शा देंगे, शिवालिक, तो शिवालिक के सारे जो समतल मैदान लग रहे हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थरों का जमाव होता है और इन पत्थरों की संख्या इतनी अधिक रहती है कि छोटी नदियां इसमें लुप्त हो जाती है। क्लियर है? इसे हम भांभर प्रदेश बोलते हैं। तो देखिए इसमें विशेषताएं भी आ गई, इसमें स्थिति भी आ गई कि जस्ट ये जैसे ही शिवालिक खत्म होगा और उसके सारे जो समतल मैदान लगेगा उसे हम क्या कह रहे हैं? भांभर कह रहे हैं, जो मेनली हम लोगों को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है दोस्तों? वही यहां पर पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन में, मंगलौर की तुलना में बंगलौर में वर्षा कम होती है क्यों? इसके लिए आपको फिजिकल स्ट्रक्चर काफी अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। आप कुछ नहीं, चुपचाप सर्वप्रथम एक छोटा सा लेफ्ट साइड में भारत का नक्शा बनाएंगे और उसमें पश्चिमी घाट को आपको क्या करना पड़ेगा? दर्शाना पड़ेगा। और आपको स्थिति पता होनी चाहिए कि बेंगलोर कहाँ पे है और बेंगलोर की स्थिति क्या है। तो जो कि हम देखते हैं यहाँ पर कि बेंगलोर जो है वो पश्चिमी घाट के पीछे है, तो जो मानसूनी हवाएं हैं उतने ऊंचाई को क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि पश्चिमी घाट का जो एवरेज हाइट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है दोस्तों? तो 1200 मीटर का एक एवरेज हाइट का पश्चिमी घाट वहां पर खड़ा हुआ है जिसको मानसूनी जो बादल है वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो मानसूनी बादल के मूवमेंट को आप यहां पर दर्शाओगे और यहां पे लिखोगे कि 1200 मीटर की एवरेज हाइट की एक क्या है? श्रृंखला है। और जस्ट अपने उत्तर में फिर आप उसको क्या कर दोगे? फ्रेम। क्लियर है? तो चूंकि बेंगलोर जो है वो पश्चिमी घाट के पूर्व के तरफ में स्थित है, वहां पर मानसूनी हवाएं सेम गति से यहां पर पहुंच नहीं पाती क्योंकि वो 1200 मीटर खड़ी श्रृंखला को क्रॉस नहीं कर पा रही है, अतः
बैंगलोर में वर्षा कम हो रहा है और मैंगलोर में वर्षा ज्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वही जब चौथे प्रश्न में आते हैं रेगुर मिट्टी, या इसी को हम लोग काली मृदा के नाम से जानते हैं, कि विशेषताओं को बताइए। तो काली मिट्टी की जब या रेगुर मृदा की जब विशेषताओं के बारे में पूछा गया, तो जब जब मिट्टियों के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, तो कुछ पॉइंट को अपने उत्तर में फ्रेम करना जरूरी होता है। सर्वप्रथम वो मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता क्या है, उस मिट्टी में रिच अमाउंट में क्या मिल रहा है, लेस अमाउंट में क्या मिल रहा है, उसमें कौन कौन से क्रॉप्स यहां पर पॉसिबल होते हैं, प्लस वो मिट्टी क्या और विशेषताएं धारण किए हुए हैं। जैसे काली मिट्टी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि काली मिट्टी जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बारीक मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। तो सबसे जो चिकनी मिट्टी है वो काली मिट्टी हुई, और इतनी ज्यादा इसकी जल ग्रहण क्षमता होती है कि बरसात के दिनों में हम क्या देखते हैं कि पानी इसके ऊपर में रह जाता है, क्योंकि ये जैसे ही पानी के कण मतलब पानी इसमें यहाँ पर बढ़ता है, ये मिट्टी अपने आप को फुलो देती है। क्लियर है? तो जो पोर्स होते हैं मिट्टी के बीच में वो भर जाते हैं और जो पानी है वो मिट्टी के ऊपर में तैरने लगता है। तो इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। वही हम देख रहे हैं कि जब गर्मी के दिनों में इस मिट्टी में सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो इससे जैसे ही वेपोराइजेशन हुआ, ये मिट्टी वापस से अपने आप को सिकोड़ लेती है और इनमें काफी लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। इसी के कारण ये जो मिट्टी है, क्लियर है, ये जो मिट्टी है शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग के लिए ज्यादातर उपयोग में लाई जाती है। तो ध्यान में रखिए इसके जल ग्रहण क्षमता के बारे में लिखे, ये कितनी ज्यादा उपजाऊ है इसके बारे में हमको लिखना है, इसमें रिच अमाउंट में क्या मिल रहा है या अधिकता में क्या पाया जाता है, लेस अमाउंट में क्या हमको देखने के लिए मिल रहा है, या इसमें कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है, और ये कौन कौन से फसलों के लिए यहाँ पर ज्यादातर उपयोगी। तो जब जब मिट्टी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आएगा, तो आपने को अपना उत्तर इस प्रकार से फ्रेम करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को जो 2021 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे, उनको लिखने का पैटर्न क्या होगा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि 2021 में 4 मार्क वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़ा। देखिए हम क्या देख रहे हैं कि भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य यहां पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाए। तो ये किसानों का आय दुगना कैसा होगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में आज भी कृषि पे मानसून की निर्भरता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आज तक सिंचाई वगैरह की व्यवस्था यहां पर नहीं पहुंच पाई। चूंकि इस लक्ष्य के साथ में इंडियन गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, तो अलग अलग योजनाएं सिंचाई को या इरिगेशन को विकसित करने के लिए लेकर आई है। वही हम राज्य सरकारों की भी बात करते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और आगे बढ़ के कदम उठाते हुए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पूरे एरिया को सिंचित करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो भारत में कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़ा है, इसके लिए एक तो सबसे पहले हम लोग को कुछ लक्ष्यों के बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ सरकारी योजनाओं के ऊपर में बात लिखना पड़ेगा, और उस सरकारी योजनाओं में सरकार जो यहाँ पर सब्सिडी स्वरूप जो यहाँ पर एक हेल्प स्वरूप राशि जो किसानों को गवर्नमेंट अपने खाते से दे रही है, उसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसमें मुख्य रूप से सरकारी योजना, उसका लाभ और जनता तक उस लाभ की पहुंच को बनाने के लिए जो एक तंत्र विकसित यहाँ पर किया गया है, उसके बारे में हमको जानकारी देनी होगी। तो इसी के कारण हम क्या देखते हैं कि नलकूप और कुएं के माध्यम से सिंचाई जो है वो भारत में तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट उसके लिए सहयोग दे रही है। तो चाहे अगर हम बात करें कि 2 हॉर्स पावर का पंप, चाहे 5 हॉर्स पावर का पंप, 3 हॉर्स पावर का पंप, ऐसे कुछ सोलार पंप वगैरह हो गया, कुछ स्प्रिंकलर वगैरह हो गया, इसमें भारी छूट के साथ में किसानों को ये दिया जा रहा है ताकि वो स्वयं अपने यहाँ पर खेतों का और फसलों का विकास कर सके। तो चूंकि गवर्नमेंट प्रभावी रूप से आगे बढ़ के यहाँ पर काम कर रही है, जिसके कारण लोग भी अपने एरिया को, कृषि एरिया को सिंचित करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि जो नुकसान उसको मानसून ना आने के कारण उठाना पड़ता है, उस नुकसान से यहाँ पर बचा जा सके। तो हमारा आंसर फ्रेम करते समय इस पूरे
लक्ष्य को और सरकारी योजनाओं को एक फ्रेम करते और इसके लाभ को यहाँ पर फ्रेम करते हुए इसका उत्तर हमको यहाँ पर लिखना चाहिए। वही अगर बात किया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम की भूमिका को समझाइए, तो मानसून के लिए जो जेट स्ट्रीम कितना यहाँ पर जिम्मेदार हो रहा है, उसमें सर्वप्रथम हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने लेफ्ट साइड में कि ये कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है जेट स्ट्रीम, चूंकि हमारा भारत भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन क्या होगा, क्या वो पूर्व की तरफ में बहेंगी, क्या वो पश्चिम की तरफ में बहेंगी, और कैसे जब गर्मी का मौसम आता है तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो उत्तर की ओर खिसकती है, जिसका क्या प्रभाव तिब्बत के पठार पर पड़ता है, और भारत के मानसून में या भारत में कैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है और भारत में मानसून जो है प्रवेश कर जाता है। तो इस पूरे ये पूरा कॉन्सेप्चुअल एक प्रश्न पूछा गया है, बड़े मार्क का प्रश्न है। तो इसमें इस पूरे डायग्राम को देखते हुए और इंडिया का अलग से डायग्राम बनाते हुए तिब्बत के पठार को यहाँ पर समझाते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है कि कैसे जेट स्ट्रीम पश्चिम से, पहले तो वो पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये उत्तर की ओर शिफ्ट होती है, और तिब्बत के पठार से हम क्या देख रहे हैं वो शिफ्ट, मतलब हिमालय और तिब्बत के पठार ये दो भाग में टूट जाती है जब वो ठंड के दिनों में रहती है। वही हम देखते हैं कि गर्मी के दिन में ये उत्तर की ओर शिफ्ट होती है तो हिमालय के उत्तर निकल जा रही है तो ये पूर्व की दिशा में बहने लग जाती है। क्लियर है? तो जब पूर्व की दिशा में बह रही है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि जिसके कारण, ठीक है, गर्मी के कारण पूरे भारत में ये जो है लो प्रेशर का जोन क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है। तो कहने का मतलब ये पूरे आंसर को हमको फ्रेम करना पड़ेगा कि कैसे तिब्बत का पठार गर्म हुआ, कैसे गर्मियों के दिनों में लो प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ, और कैसे जो मानसूनी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश की, और उसका जेट स्ट्रीम जो कि ट्रोपोपॉज पे बहती है, जो कि काफी जिसकी स्पीड ज्यादा रहती है, वो कैसे इनको आकर्षित कर रही है। तो अपने आंसर में इन सारे तथ्यों को फ्रेम करना जरूरी होगा, और ये पूरा एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही प्रश्न है, इसमें इन सारे चीजों को हमको विस्तृत तरीके से समझाना पड़ेगा। वही जब हम बात करते हैं 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्रों में अंतर को समझाना है, तो या तो इसको हम अलग अलग ऐसे कॉलम बनाकर इसमें अलग अलग पॉइंट ले सकते हैं कि जैसे अपवाह की प्रवृत्ति, या किस प्रकार की अपवाह की प्रवृत्ति है, किस प्रकार की नदियां हैं, जैसे हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम जो हिमालय की तरफ से नदियां निकलती है वो एंटी सीडेंट रिवर होती है, या जिसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। वही जो प्रायद्वीपीय भारत की जो यहाँ पर मुख्यतः नदियां होती है वो अध्यारोपित नदी, या जिसे हम लोग सुपर इम्पोज्ड रिवर कहते हैं। फिर इसका ड्रेनेज यहाँ पर कैसा होगा उसके बारे में हमको लिखना है। फिर हम लिखेंगे कि इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है और कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। इसमें दिशाओं के बारे में हम लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं जो सामान्य से उल्टी दिशा में बहते हुए अरब सागर में अपने आप को खत्म करती है। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे कुछ हम लोगों को पॉइंट बनाकर इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्र के बीच में अंतर समझाना पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ा अंतर ये भी है दोस्तों कि हिमालय से जो नदियां यहाँ पर निकलती है वो बारहमासी नदियां होती है, मतलब साल भर नदी में एक जल का सामान्य स्तर तो बना होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बारहमासी नहीं होती है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये सूखने लगती है। क्लियर है? तो कुछ ये अंतर है, ऐसे ही अपने को कुछ और अंतर के साथ में अपने को इस उत्तर को यहाँ पर फ्रेम करते हुए लिखना है। तो जब भी अंतर पूछे तो आप यहाँ पर तीन कॉलम बनाएं, एक तरफ में यहाँ पर जिस भी पॉइंट को लेकर आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं उस पॉइंट को लेकर चले, और दोनों के बीच में फिर एक तरफ हिमालय के क्षेत्र की यहाँ पर नदियाँ, और एक तरफ यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या इंडियन पेनिनसुलर जो रिवर्स है उसके बारे में लिखने के लिए यहाँ पर जगह छोड़िए, और सीधा साफ शब्दों में अपना उत्तर अंतर के माध्यम से फ्रेम कीजिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे मुख्य परीक्षा में 2 मार्क, कैसे 4 मार्क, कैसे 8 मार्क और कैसे 10 मार्क के उत्तर को हम फ्रेम कर रहे हैं, और वो भी प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए। क्लियर है दोस्तों? तो आशा है कि ये पूरे इंडियन ज्योग्राफी वाले सीरीज में आप लोग पैटर्न को समझे होंगे कि कौन कौन से एरिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है,
कौन कौन से एरिया से ज्यादा प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, और उम्मीद है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने इंडियन ज्योग्राफी के मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। आपसे बहुत ही जल्दी वापस मिलते हैं। धन्यवाद।